नमस्कार बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है औद्योगिकीकरण की आवश्यकता। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जो पेपर है समसामयिक भारत कॉन्टेम्पररी इंडिया, इसका लगभग 90% जो है सिलेबस आपका पूरा हो चुका है। और अब जो मैं आपको लेक्चर्स इसमें व्याख्यान में जो पढ़ाऊँगी उसमें दो तीन जो टॉपिक बचे हैं, चार पांच, उसको कंप्लीट करा के उसके बाद जो रिवीजन है उसमें जो मेरे को लगता है कि ये परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर ही टॉपिक महत्वपूर्ण है, फिर भी कुछ टॉपिक्स मैं आपको रिपीट पे कराऊँगी तो आप उसको आगे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखते हुए उनको याद करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है औद्योगिकीकरण की आवश्यकता। आपने देखा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता से पूर्व जो उसकी स्थिति थी और स्वतंत्रता के बाद की स्थिति, हमारे यहाँ पर कुटीर उद्योग धंधे, लघु उद्योग धंधे चरम सीमा पर थे। व्यापार उन्नत था लेकिन धन निष्कासन की प्रक्रिया या अंग्रेजों की यह नीति रही कि यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति, और यहाँ से जितना माल हम बटोर सकते हैं उतना हम ले जाए, तो वो किसी न किसी की नीति के माध्यम से यहाँ का जो धन है वो विदेश भेजते रहते थे। तो यहाँ पर उसकी क्षति हुई। और स्वतंत्रता के बाद जब उद्योगों में औद्योगिकरण हुआ तो हमें लगा कि हमें उद्योग जगत में अमूल चमूल परिवर्तन करने चाहिए। और चूँकि भारत विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आता है तो औद्योगिकीकरण की ज़रूरत बहुत अधिक है। इसके माध्यम से ही आर्थिक विकास की दर को तीव्र गति प्रदान की जा सकती है। इनके बिना देश के निवासियों की आय में वृद्धि लाना असंभव है। औद्योगिकीकरण, आप समझ रहे हैं, औद्योगिकीकरण यानी उद्योग जगत में परिवर्तन होना, उद्योग जगत में क्रांति लाना। और औद्योगिकीकरण से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं जो केवल आर्थिक क्षेत्र तक हुई ना सीमित ना रह के सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। औद्योगिकीकरण की आवश्यकता और महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम समझेंगे। पहली बात कि औद्योगिकीकरण क्यों आवश्यक है। तो औद्योगिकीकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि मजबूत और संतुलित अर्थव्यवस्था का विकास इस पर निर्भर करता है। समझे आप, मजबूत और संतुलित अर्थव्यवस्था का आधार किस पर करता है, इस पर निर्भर करता है। औद्योगिकीकरण देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत और संतुलित विकास में सहायक माना गया है। स्वतंत्रता हमारे यहाँ से अंग्रेज धन को किसी न किसी रूप में उन्होंने विदेश भेज दिया था और वहाँ से जो निर्मित माल है वो भारत में मंगाया जाता था, जिसके कारण यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर उसका भारी प्रभाव पड़ा। यूरोप की तरह भारत में औद्योगिकीकरण मजबूत और संतुलित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक थी। औद्योगिकीकरण देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत और संतुलित विकास में सहायक माना गया है। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई और असंतुलित अवस्था में थी। यूरोप की तरह भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा लूट कर ले जाई गई संपदा ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यहाँ जो औद्योगिक विकास हुआ वह अस्वाभाविक व असंतुलित था। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात विश्व की दूरियां घटी। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो विश्व बरादरी में भारत की तस्वीर एक आर्थिक और औद्योगिक रूप से पिछड़े देशों की उभर कर आती है। कृषि अभी तक मुख्य व्यवसाय बना हुआ था, खेती भी पिछड़ी स्थिति में थी क्योंकि अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर थी। अतः यहाँ की आर्थिक स्थिति हर समय डावाडोल रहती थी, लोगों को पर्याप्त काम नहीं मिलता था, देश में गरीबी बढ़ती जा रही थी। इन सबसे निजात पाने का प्रमुख कार्य औद्योगिकीकरण को स्वीकार किया गया।
समर्थ असमर्थ समर्थ थे। उद्योगों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के स्तर को ऊंचा बढ़ाया जा सकता था, जिससे बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता। अतः एक मजबूत और संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग आवश्यक थे। दूसरा है कृषि विकास में सहायक। कृषि विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिकरण अत्यधिक उपयोगी और आवश्यक होते थे। उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति कृषि क्षेत्रों द्वारा की जाती है। यदि कारखानों के लिए कच्चे माल के रूप में कृषि उपज की मांग बढ़ती है, तो स्वाभाविक तौर पर कृषि का विकास होता है। कारखानों में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी व प्रौद्योगिकी कृषि के मशीनीकरण में योगदान देती है। कृषि क्षेत्र में रासायनिक खाद, बिजली और यंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। उद्योगों के विकास से कृषि पर जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सकता है, जो कृषि विकास का मार्ग खोलती है। अतः स्वतंत्रता के पश्चात कृषि क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिकरण को आवश्यक माना गया। तीसरा है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि लाने का उपयुक्त साधन औद्योगिकरण को माना गया। उद्योगों में उत्पादन अधिक किया जा सकता है। उद्योगों से कृषि क्षेत्र की उत्पादकता दर भी बढ़ती है। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ी आवश्यकता आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की अथवा आत्मनिर्भरता प्राप्त पहली प्राथमिकता थी। अतः वांछित आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए औद्योगिकीकरण आवश्यक था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता, अखंडता व सुरक्षा के लिए एक सबल राष्ट्र ही अपनी एक और युद्ध में काम आने वाली सामग्री की उच्च गुणवत्ता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब उद्योग धंधों का पर्याप्त विकास हो। आत्मनिर्भर देश ही स्वतंत्र गृह और विदेश नीति का संचालन कर सकता है। युद्ध सामग्री के लिए दूसरे राष्ट्र पर निर्भरता कभी भी धोखा दे सकती है। युद्ध सामग्री नहीं बल्कि खाद्यान्न और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, रोजगार सृजन और व्यावसायिकता का विकास। औद्योगिकरण रोजगार सृजन में भारी योगदान देता है। इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान काफ़ी सीमा तक संभव है। उद्योग व्यवसाय कुशलता में वृद्धि करता है। उद्योग संचालन हेतु मैकेनिक, मिस्त्री, इंजीनियर, प्रबंधक इत्यादि व्यवसायिकों की आवश्यकता होती है, जो औद्योगिक विस्तार के साथ बढ़ती जाती है। इससे व्यावसायिकता बढ़ती है एवं औद्योगिक एवं व्यावसायिकता की कुशलता का उपयोग आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में होता है। औद्योगिकरण विकसित बाजार तंत्र को जन्म देता है, जिससे रोजगार और व्यवसाय के अनेक अवसर उत्पन्न होते हैं। जीवन स्तर में सुधार। औद्योगिकीकरण से आर्थिक विकास हासिल करने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। जीवन स्तर में सुधार आने से मानव ऊपर उठता है। भूखा व गरीब व्यक्ति मानवोचित व्यवहार और सम्मान से वंचित रहकर औसत आदमी से नीचे के स्तर पर रहते हुए गुजारा करने के लिए मजबूर होता है। औद्योगिकीकरण से अर्जित आर्थिक समृद्धि का कमोवेश पर अभिशप्त थे। अतः उनके भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए औद्योगिकरण आवश्यक था। व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का चहुंमुखी विकास। औद्योगिकरण व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के चहुंमुखी विकास में सहयोग देता है। इससे आर्थिक समृद्धि, शिक्षा, विज्ञान की प्रगति, बेरोजगारी व गरीबी की समाप्ति संभव हो सकती है। विज्ञान व तकनीक का विकास सामाजिक परिवर्तन का आधार होता है। औद्योगिकरण से नए सामाजिक व्यवसायिक वर्ग को जन्म देता है, जो सामाजिक हलचल उत्पन्न करते हैं। यह सामाजिक हलचल सामाजिक विकास में परिवर्तनों का कारक बन जाती है। नवोदित राष्ट्र भारत की आवश्यकता है। व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का चहुंमुखी विकास होता है, जिसे औद्योगिकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अतः
यातायात व संचार के साधनों का विकास। औद्योगिकरण यातायात व संचार के साधनों के विकास में सहायक होता है। औद्योगिकरण गतिविधियों के संचालन हेतु यातायात और संचार साधनों का विकास आवश्यक हो जाता है। ये जब साधन अस्तित्व में आ जाते हैं तो इनका उपयोग संपूर्ण समाज करने लगता है। नेक्स्ट, शहरीकरण का विकास। औद्योगिकरण शहरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करता है। जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अपने आप में अधूरी है, वैसे ही ग्रामीण जीवन में युक्त समाज अधूरा होता है। यह अधूरापन राष्ट्र के अधूरेपन में परिलक्षित होता है। जिस तरह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान बढ़ने से संतुलित अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, उसी तरह शहरीकरण के विकास में सामाजिक संतुलन पैदा होता है। औद्योगिकरण एक भिन्न आर्थिक प्रक्रिया है जो ग्रामीण जीवन से मेल नहीं खाती। उल्लेखनीय योगदान देता है। अतः शहरीकरण के विकास के लिए औद्योगिकरण को एक प्रमुख कार्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि औद्योगिकरण क्यों आवश्यक है या औद्योगिकरण क्यों किया गया। ये कुछ पॉइंट थे जिसके माध्यम से अपन ने देखा कि यातायात के साधनों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, कृषि के विकास के लिए और जीवन स्तर का स्तर ऊंचा करने के लिए औद्योगिकरण आवश्यक था। ये औद्योगिकरण लास्ट में है कि ग्रामीण जीवन से मेल नहीं खाता, इसके लिए शहरीकरण आवश्यक है। इसके लिए भी औद्योगिकरण की ज़रूरत है। और औद्योगिकरण यानी उद्योग जगत में उद्योगों को और तीव्र गति से परिचित किया जाए या उन्हें चलाया जाए, उद्योगों को और बढ़ावा दिया जाए, उद्योग जगत में परिवर्तन लाया जाए, उद्योग जगत में जो नई नई तकनीकी हैं उनका प्रयोग किया जाए, जिससे जो स्वतंत्रता से पूर्व जो भारत की स्थिति थी और स्वतंत्र बाद के बाद में जो भारत की स्थिति थी उसमें सुधार किया जाए, जिससे हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता बढ़े, हमारे जो कुटीर उद्योग धंधे हैं उनको परिलाभ मिले, उन्हें और विकास की ओर वो अग्रसर हो और विज्ञान और शिक्षा की प्रगति में नई नई तकनीकें लाए जाए, ताकि जितने भी इंजीनियर्स हैं, छात्र हैं, वो और तरक्की करें और हमारे देश का नाम रोशन हो, रोज़गार सृजन और जो कुटीर उद्योग धंधे हैं जो हमारे यहाँ के व्यवसाय हैं, हमें लगता है कि इसको और अधिक बढ़ाया जाए, जिससे स्थानीय से वो राज्य और राज्य से वो राष्ट्रीय, राष्ट्र से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कायम हो उसकी, ऐसे कुछ प्रयास किए जाए। इसलिए औद्योगिकरण है। तो आप इसमें से जितने भी छोटे क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए थे और जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको फिर दोहरा लिया जाएगा, पर आप उसको साथ ही साथ और याद करते रहेंगे। और करंट इसलिए जो पेपर है आपका, ये करंट मांगता है। जैसे कि अभी औद्योगिकरण वाले इस टॉपिक को लीजिए, इसमें आप करंट जोड़ सकते हैं कि उद्योग जगत में अभी क्या चल रहा है या इसमें कौन कौन सी योजनाएं चल रही है सरकार की तरफ से, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप इसको जोड़ के और आगे भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।